हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जो है फेसबुक से अपने डिलीटेड मैसेजेस या कोई भी सर्च हिस्ट्री या कोई भी अदर डाटा का आप जो है बैकअप कैसे ले सकते हैं। तो देखिए, सिंपल सा प्रोसेस है, कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। फेसबुक जो है आपको खुद आपका डेटा प्रोवाइड करता है, फिर उसमें चाहे वो सर्च हिस्ट्री हो, लॉगिन हिस्ट्री हो, तो जो भी आपके डिलीटेड मैसेजेस भी होंगे वो भी उसमें आपको फेसबुक जो है डेटा प्रोवाइड करेगा। तो सिंपली फेसबुक ओपन करने के बाद आपको सेटिंग में आ जाना है, उसके बाद आ जाना है डाउनलोड योर इन्फॉर्मेशन में। तो इस तरह से आपका कुछ पेज ओपन हो जाएगा। उसके बाद जिस भी चीज़ का आपको बैकअप चाहिए उसको आपने टिक कर लेना है और बाकी को अनटिक छोड़ देना है। तो फिलहाल अभी डेमो के लिए मैं कुछ चीज़ों को टिक रहने देता हूँ और बाकियों को अनटिक कर देता हूँ। यहाँ पर सर्च हिस्ट्री, लोकेशन, अबाउट यू और मैसेजेस वगैरह को मैंने टिक किया है। उसके बाद नीचे आपको डेट रेंज का ऑप्शन मिल जाएगा, इसमें आप ऑल ऑफ माई डेटा कर सकते हैं या डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। ऑल ऑफ माई डेटा में आपका जब से फेसबुक से अकाउंट बना है तब से लेकर आज तक का डेटा फेसबुक आपको प्रोवाइड कर देगा, या तो सिंपली आप ऐसे डेट रेंज सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं यहाँ पर सेट। उसके बाद आपको फॉर्मेट मिल जाएगा, नीचे मीडिया क्वालिटी आप मीडियम, हाई या लो कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर मीडियम सेलेक्ट किया है। उसके बाद आपकी रिक्वेस्ट जो है वो सबमिट हो जाएगी। तो जैसे ही आपकी फ़ाइल अवेलेबल होगी तो फेसबुक आपको नोटिफिकेशन सेंड कर देगा। तो जितना ज़्यादा आपकी फ़ाइल का साइज़ होगा उतना ही ज़्यादा इसको टाइम लगेगा, लेकिन मैक्सिमम 15 से 20 मिनट में आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो मुझे तो 5 मिनट में नोटिफिकेशन आ गई थी। और यहाँ पर देख सकते हैं आप अवेलेबल कॉपीज़, 29 MB इसका साइज़ है। और वैसे तो मैंने डाउनलोड कर रखी है, लेकिन चलिए फिर से इसको डेमो के लिए डाउनलोड कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं फाइल जो है डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुकी है। यहाँ पर नोटिफिकेशन में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हमारी जो फाइल है वो डाउनलोड हो चुकी है। चलिए इसको ओपन कर लेते हैं। तो ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं कि जो जो मैंने सेलेक्ट किया था बैकअप के लिए फेसबुक ने मुझे वो बैकअप प्रोवाइड कर दिया है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप ये आगे नोटिफिकेशंस, और नीचे आप देख सकते हैं जो भी नोटिफिकेशंस थी, नीचे तक स्क्रॉल डाउन करेंगे देखिए सारी नोटिफिकेशन जो है वो मेरे पास यहाँ पर आ चुकी हैं। उसी तरह यहाँ पर लॉगिन इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, जो भी लॉगिन इन्फॉर्मेशन है, कहाँ कहाँ से आपने लॉगिन किया, वो सारा यहाँ पर आ जाएगा। चलिए यहाँ ग्रुप्स में देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी मैंने कमेंट पोस्ट किए थे ग्रुप में वो सारे यहाँ पर आ चुके हैं, और ये सारा डिलीटेड डेटा है। तो एक बार फिर से बता दूँ, बहुत ही सिंपल मेथड है, कोई भी इसमें ट्रिक नहीं है, कोई भी इसमें हैक नहीं है। सिंपली जो है फेसबुक आपको आपका डेटा प्रोवाइड करता है, और अगर आपने कोई इंपॉर्टेंट मैसेजेस डिलीट कर रखे हैं जिनको आप रिकवर करना चाहते हैं तो उस टाइम पर ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। आपने सिंपली फेसबुक को रिक्वेस्ट करनी है डेटा बैकअप के लिए, तो फेसबुक जो है डेटा बैकअप की कॉपी आपको बहुत ही जल्दी प्रोवाइड कर देगा। तो काफ़ी सिंपल सा प्रोसेस है, सिंपली आपको फेसबुक से डेटा बैकअप की रिक्वेस्ट करनी है और फेसबुक आपको सारा डेटा प्रोवाइड करेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जितने भी मेरे डिलीटेड मैसेजेस थे वो जो हैं रिकवर हो चुके हैं। तो जो भी आपके डिलीटेड मैसेजेस होंगे या फिर कोई और डाटा होगा वो ज़रूर इस मेथड से रिकवर हो जाएगा। तो यहाँ पर डेमो के लिए मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर ये कोई परीक्षित कपूर है, इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। तो जो भी मेरी यहाँ पर चैट हुई है इसके साथ, ये देखिए यहाँ पर सारी शो यहाँ पर हो रही है। तो इस सिंपल से मेथड से जो है आप अपने किसी भी डेटा का बैकअप जो है फेसबुक से इजीली ले सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।